नमस्कार। राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे लक्ष्य साधने के लिए जो राशि बनी है, टारगेट हिट करना, जिनका लक्ष्य होता है ऐसे लग्न, धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न मूल चीज़ों से जुड़े हुए हैं आप लोग। शुक्र की सुंदरता है और सूर्य का तेज है, राजा का अंतिम प्रभाव है। शनिदेव आपके कुंडली में वक्री हो रहे हैं 140 दिन के लिए। शनि महाराज का वक्रत्व तो आपके जीवन में क्या परिणाम देगा, आज इस वीडियो पे इसी बात की चर्चा करें। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को हमारे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देखेंगे डेफिनेटली आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मित्रों को शेयर करिएगा। धनु लग्न गुरु की मूल त्रिकोणीय राशि है, मूल त्रिकोणीय लग्न है। शनिदेव यहाँ पे आपके मकर और को मतलब धन भाव और पराक्रम भाव के कारकत्व के, पराक्रम भाव के स्वामी हैं। ऐसे शनिदेव सतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, या जो राहु के नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं द्वितीय चरण में वक्री हो रहे हैं। द्वितीय चरण मतलब मकर नवांश में वक्री हो रहे हैं, मकर राशि में नहीं, मकर नवांश में। तो शनि जब स्टार्टिंग में वक्री होंगे तो मकर नवांश का फल देना शुरू करेंगे। अतः आपके कुंडली में महादशा अंतरदशा सही है तो आप शनि के वक्रत्व में धन लाभ प्राप्त करेंगे, धन कमाएंगे, बैंक में पैसे जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। आप अपना बर्थ चार्ट उठा के एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि भाई देखो 60-65 करोड़ लोगों की एक राशि आती है। अब 60-65 करोड़ लोग सब लोग एक जैसा लाभ नहीं लेंगे। वर्षा होती है ना, कुछ लोग उस वर्षा का आनंद लेते हैं, कुछ लोग पानी, सरकार करोड़ों लीटर पानी इकट्ठा कर लेती है लेकिन हम आप नहीं इकट्ठा कर पाते। जिसके पास डैम है पानी इकट्ठा कर लेता है, बर्तन इकट्ठा कर लेता है, नॉर्मल आदमी देखता रह जाता है, पानी सामने से बह जाता है, बस ऐसी बात है। शनिदेव इसके बाद धनु नक्षत्र में आएंगे, धनु नवांश में आएंगे, नक्षत्र नहीं। शनि महाराज मकर में जाएंगे, मकर मकर में चल रहे हैं, मकर से जो नीचे आएंगे तो धनु नवांश में आएंगे। धनु नवांश क्या है, आपका अपना लगन है, आपकी अपनी राशि है। यहाँ पे शनि आपके स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, चमक आएगी, कर्मठता बढ़ेगी, आलस्य खत्म होगा। इसके पश्चात शनि महाराज फिर वृश्चिक नवांश में जाएंगे। जो वृश्चिक नवांश है ये थोड़े से खर्चीली है, खर्च करने वाली है। तो ये नक्षत्र की बात थी, किसकी बात थी, नक्षत्र की बात। नक्षत्र में ये सतभिषा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र तक आएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के बाद फिर 15 अक्टूबर 4 नवंबर के बाद मार्गी होना शुरू हो जाएंगे। तो 140 दिन का शनिदेव का वक्रत्व आपके पराक्रम भाव से आपके धन भाव तक है। अतः शनि पराक्रम करके धन के उपार्जन की बात करेंगे। बंधु बांधवों से बिगड़े हुए रिश्ते को भी शनिदेव ठीक करेंगे। और शनि क्या करेंगे, शनि सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे। शनि जब वक्री हो रहे हैं, वक्री होने का तात्पर्य यह है कि कोई चीज़ें जो कनेक्ट नहीं हो रही थी उसको दोबारा कनेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। आप रेलवे स्टेशन निकल गए, अचानक आपको याद आया कि घर की लाइट जली तो नहीं रहेगी, या घर में मोबाइल का चार्जर छूट गया, तो आप लौट रहे हो तो मोबाइल का चार्जर भी लोगे और देखोगे ब्लूटूथ तो नहीं छूटा है, कोई और सामान तो नहीं छूटा है, बाटल में पानी कम है तो उसको ही भर के चलोगे। माने चीज़ों को व्यवस्थित करके आगे बढ़ोगे, शनि वक्री होने का तात्पर्य है। आपके बर्थ चार्ट में अगर शनि वक्री है तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला है, आपको कोई डाउट ही नहीं है, बहुत सुंदर फल मिलेगा। लेकिन महादशा अंतरदशा आपको चेक करनी होगी। शनि महाराज अपने तीनों नक्षत्रों को बल देंगे तो खर्च जो बेवजह हो रहे थे ना, शनि पहले खर्च को रोक देंगे। बेवजह खर्च हो रहे थे, शनि बोलेंगे रुको यार, फालतू खर्चा मत करो भाई, पैसे बड़े मुश्किल से आते हैं। तो शनि के अनुराधा नक्षत्र पे शनि खर्चों का नियंत्रण करेगा। शनि का कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र ससुराल से रिलेशन को ठीक करेगा, ससुराल से रिलेशन को ठीक करेगा। शनि बोलेगा आओ बैठ के थोड़ा सा योगा करते हैं, सिर्फ 21 को योगा नहीं करना है, योगा कंटिन्यू, योग करिए। तो योग करवाएगा, प्राणायाम करवाएगा, प्राण शक्ति को मजबूत करेगा। क्या करेगा, प्राण शक्ति को। शनि
दूसरे आयु के स्वामी हैं और शनि स्वाभाविक आयु के कारक होते हैं। अतः जब आपका तृतीय भाव वापस लौटेगा तो आयु को वृद्धि करने की बात करेगा। यद्यपि द्वितीय भाव को मार्केश बोलते हैं, लेकिन शनि, चूंकि शनि आपकी तृतीय है, शनि मार्केश नहीं बनेंगे आपके, क्योंकि शनि ही आयु के कारक हैं, इसलिए शनि मार्केश नहीं बनेंगे। तो अतः यहाँ पे शनि कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र को मजबूत करेंगे और क्या करेंगे, तो आपके सुख के घर में जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चल रहा है उसको ठीक करेंगे। मतलब घर में आप फंक्शन करते हैं तो कोई पुराना व्यक्ति, दादा मौसा फूफा जैसा, जो मुँह फुला के बैठा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन वो कमी निकालने की उसकी आदत है। जी खीर तो अच्छी थी लेकिन कटोरी छोटी थी, रसमलाई तो अच्छी थी लेकिन चम्मच छोटा था, ये तो अच्छा था इसमें धनिया कम थी, ऐसे जो लोग हैं ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करते, वो कभी खुश हो ही नहीं सकते। तो ऐसे जिंदा मेढकों को आप तराजू में नहीं रख सकते, मर जाएंगे तभी वो आएंगे, फ्रेम में आएंगे तभी शांति रहेगी, तो उनको इग्नोर करके आगे बढ़िए। मांगलिक कार्य घर में हो रहा है, लंबी यात्रा आप कर सकते हैं, लंबी यात्रा का समय है, डेफिनेटली आपको लंबी लंबी यात्राएं करनी होंगी। यात्रा में सावधानी बरतिएगा क्योंकि द्वादश भाव में अनुराधा है, भक्ति भावना, आप राधे राधे करते रहे और कोई आपका सामान लेके गायब हो गया, तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। ओम प्राम प्रेम प्रम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़िए, डेफिनेटली लाभ होगा। गुरु महाराज भी ठीक ठाक पोजिशन में आ रहे हैं, भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं तो बेहतर करेंगे। साथ में अभी आपके कुंडली में राहु और केतु भी पोजीशन आने वाले समय में चेंज करने वाले हैं। केतु महाराज और राहु महाराज भी धनु लग्न को गति देने वाले हैं, तो उसका लाभ के घर में, पंचम के घर में क्या गति देंगे, स्वतंत्र वीडियो बना के आपको देंगे। तब तक आपके लिए शुभकामना, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, राधे राधे करते रहिए।